صلوات الله عليه وعلى محمد وعلى اله. اللهم صل على محمد وعلى ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين هم الصراط الأقوام والوسيلة الكبرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات الجماعة. اللهم صل على محمد. محترم سامعین والی قدر احباب، دین اسلام میں اور دین اسلام کے سمجھنے میں معیار اور ملاک اور میزان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ہم نے جو بھی دیا ہے، جو دین ہم تک پہنچا ہے، وہ رسول گرامی اسلام کے ذریعے سے پہنچا ہے. اور آئمہ اطہار جو محافظ دین رسول ہیں، ان کا بھی فرمان یہ ہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی کہتے ہیں. جتنے بھی آئمہ کے فرامین ہیں ان سب کا ماخذ اور منبع رسول اکرم کی ذات گرامی ہے. چونکہ وحی کا سلسلہ رسول اکرم پر ختم ہو گیا، خدا کا جو دین آنا تھا وہ رسول اکرم پر آیا، اور رسول اکرم کے بعد کوئی آیت نہیں آئی. تو دین رسول اکرم پر ہی مکمل ہوا، لیکن ولایت مولا امیر المومنین کے اعلان کے ساتھ. تو میں اگر یوں عرض کروں کہ میزان اسلام رسول کی ذات گرامی ہے، ہم نے جو کچھ دینا ہے رسول اکرم سے دینا ہے. ہم اپنی طرف سے نہ بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں. اپنی طرف سے بڑھانا یا گھٹانا یہ رسم دنیا تو ہے، مگر طریقہ دین نہیں ہے. طریقہ دین یہی ہے کہ جو کچھ رسول اکرم تمہیں دے وہ لے لو. اور قرآن مجید میں بھی اسی کو بیان فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ رسول تم کو دے وہ لے لو، اور جس سے رسول کی ذات
मना करे उससे रुक जाओ। कुरान मजीद ने एक और जगह फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ मेरे रसूल इनसे कह दो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ऐ रसूल इनसे कह दो फत्तबिउनी, मुझ रसूल की इत्तेबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा, वया फिर लकुम ज़ुनूबकुम, उसकी मोहब्बत का नतीजा यह होगा कि वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह गफूर भी है और रहीम भी है। तो हमारे गुनाहों की माफी और अल्लाह की मोहब्बत का इस बात, ये दोनों चीजें मौकूफ हैं रसूलुल्लाह की इताअत में। रसूलुल्लाह की इत्तेबा करेंगे तो खुदा की मोहब्बत भी साबित हो जाएगी और खुदा फिर इस मोहब्बत में आकर हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। तो ये समराज है रसूल अकरम की इत्तेबा के। और किसी जगह पर इताअत की लफ्ज है, वमन युते रसूल फकत अता, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अब इताअत और इत्तेबा में बुनियादी फर्क यह है कि इताअत हुक्म की होती है, इत्तेबा अमल की होती है। जहां भी इताअत का लफ्ज है वहां हुक्म की इताअत है, रसूल के हुक्म को मानना इताअत करना, और जहां लफ्ज इत्तेबा आया है वहां उनके अमल की पैरवी करना। तो रसूल का, रसूल की सुन्नत यह है जो हम कहते हैं सुन्नत रसूल यह है, कौल रसूल, फेले रसूल, तकरीर रसूल, रसूल के कौल को फरमान को मानना, रसूल के फेल की इत्तेबा करना। तकरीर रसूल यह है कि रसूल के सामने किसी ने कोई काम किया हो और रसूलुल्लाह ने उसको मना ना किया। चूंकि ये आइमा की सीरत भी रही है, रसूल अकरम की सीरत भी रही है कि जब उनके सामने कोई शख्स काम करता था और वो काम सही नहीं होता था तो मना कर देते थे, और जिसको मना नहीं करते थे इसका माना है कि वो ताईद कर देते थे मना ना करके। जैसे ये बुजुर्गों के साथ में कोई बच्चा अगर कोई काम अच्छा ना करे तो बुजुर्ग मना कर देते हैं, और अगर वो मना नहीं करते थे मना उनकी ताईद ऐसा। ये है तकरीर रसूल। तो सुन्नत रसूल इन तीन चीजों को शामिल है, कौल रसूल, फेल रसूल और तकरीर रसूल। लेकिन सुन्नत का दायरा हम तशय्यो में वसी कर दूसरे सिर्फ रसूल अकरम के कौल और फेल और तकरीर को सुन्नत कहते हैं, और हम शिया सुन्नत की तारीफ ये करते हैं, कौले मासूम, फेले मासूम, तकरीरे मासूम। मासूम का कौल, मासूम का फेल, मासूम की तकरीर, ये है सुन्नत। तो हमने सुन्नत का दायरा वसी है। हम जैसे रसूल अकरम के फरमान को, कौल को, फेल को सुन्नत कहते हैं, मासूम के चहाता मासूमीन का कौल और फेल और सुन्नत, ये हमारे लिए जो है ना हुज्जत है।
तो हम तशय्यो में सुन्नत का दायरा वसी है। मैंने अर्ज कर दिया कि मासूम का ये फरमान है, इमाम जाफर सादत का ये फरमान है। हम जो कुछ भी करते हैं इमाम फरमाते हैं वो रसूल की तरफ उसकी निस्बत होती है, वो भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, रसूल के फरामीन की वजाहत करते हैं अपने फरामीन में। तो अब रसूल अकरम की एक हदीस आपके सामने कोट करनी है और फिर मैंने आगे बढ़ना है। रसूल अकरम फरमाते हैं मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलाहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा व मन सन्ना सुन्नतन सय्यतन फलाहु विज्रुहा जिस किसी ने अच्छी सुन्नत की, सुन्नत का माना यहां फेल है, जिस किसी ने अच्छा फेल किया, नेक फेल किया, मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा, उसको उस फेर का, अच्छे फेर का अजर मिलेगा। और जो उसकी अच्छी छोड़ी हुई सुन्नत पर अमल पैरा होगा, उस अमल पैरा होने वाले को अपने अमल का सवाब मिलेगा, लेकिन अलहदा से अमल करने वालों का सवाब अलहदा से जमा करके उस शख्स के नाम अमाल में भेजा जाएगा जिसने अच्छी सुन्नत छोड़ी थी। मिसाल ताकि बच्चे समझे इस चीज को, पहले तो ये बात है कि जो फेल भी इंसान करता है वो फेल उसका पीछा नहीं छोड़ता, अच्छा किया है उसके भी आसार है, बुरा फेल किया है उसके भी आसार और नतीजे हैं। ये नहीं है कि फेल कर दिया बस खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि जिसने अच्छा फेल किया, अच्छा काम किया, अच्छे काम का उसको अजर मिलेगा, और जितने लोग उसको छोड़े हुए अच्छे काम पर अमल पैरा होंगे, हर अमल करने वाले को अपने अपने अच्छे अमल का सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। लेकिन इन सब अजरों जैसा अजर इकट्ठा करके अलहदा से उस शख्स के नाम अमाल में भी भेजा जाएगा जिसने अच्छा फेल छोड़ा था, अच्छा फेल किया था। मस्जिद बनवाना अच्छा फेल है, बल्कि रिवायत है कि जो इस दुनिया में अगर जो छोटी मस्जिद बनाए खुदा बंदे मुताल जन्नत में उसके लिए महल बना देता है। मस्जिद बनाना अच्छा फेल है, इमाम बारगाह तामीर करना अच्छा फेल है। अब जो मस्जिद बनाएगा, जो इमाम बारगाह बनाएगा, खुदा उसको अजर देगा, और जितने नमाजी उस मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, हर नमाज पढ़ने वाले को अपनी अपनी नमाज का सवाब होगा, लेकिन अलहदा से इन सब सवाबों जितना सवाब इकट्ठा करके उस शख्स के नाम अमाल में भेजा जाएगा जिससे मस्जिद बनवाई थी या उसमें हिस्सा डाला था। ऐसे किसी ने इमाम बारगाह बनवाई और इमाम बारगाह का बनवाना सवाब है, एक मरकज तबलीग है, जितने लोग उस इमाम बारगाह में आएंगे, अजादारी करेंगे, लोहा खानी करेंगे, मजलिस पढ़ेंगे, सबको सवाब पहुंचेगा। लेकिन इन सब सवाबों जितना सवाब अलहदा से इकट्ठा करके उस शख्स के नाम अमाल में भेजा जाएगा जिसने इमाम बारगाह में हिस्सा डाला था।
रसूल फरमाते हैं कि जो भी कोई अच्छा काम करता है उसका तो अमल जाया नहीं है, उसका तो सवाब मिल गया, लेकिन जो उसके छोड़ी हुई अच्छाई पर अमल करते हैं उनको अपना सवाब मिल जाता है। खुदा कादिर है, उसके खजाने में कमी नहीं है। मैं अक्सर ये कहता हूं मारे बाजार में जो है ना अपनी खजूर घर से मस्जिद में आते हालांकि मस्जिद में इफ्तार होता है बंदोबस्त होता है, वो अपनी खजूर जेब में डाल के आता है। ये बुजुर्गों का कंसेप्ट था, बताया नहीं गया उनको। और पूछा जाता है आप क्यों अपनी खजूर लाते हैं, इसलिए कि मैं अगर किसी की खजूर से रोजा खोलूंगा तो ये सवाब उसको चला जाएगा। वो समझता है कि खुदा मेरे जैसा है, उसके पास सवाब नहीं है। नहीं, तू अपनी खजूर खामखा घर से लाता है, तू इफ्तारी जिसने दी है उसकी खजूर से रोजा खा लेगा, तुझे सवाब ज्यादा होगा। मोमिन की दावत को कबूल करना भी सवाब है। रोजा को तो खोलेगा ही, उसका सवाब तेरा रोजा जाया नहीं, लेकिन जो मोमिन की जो दावत ने कबूल की है इसका सवाब भी है। तो खुदा के खजाने में कमी नहीं। सुल्ला फरमाते हैं कि जिसने अच्छी सुंदर जोड़ी उसका सवाब उसे मिलेगा, जितने लोग उसको छोड़ी हुई अच्छी सुंदर पर अमल पैरा होंगे, हर शख्स को अपने अपने अमल का सवाब होगा। और इन सब सवाबों जितना सवाब अलहदा से इकट्ठा करके उस शख्स के नाम अमाल में भेजा जाएगा जिसने अच्छी सुंदर छोड़ी। और इसके बाद जिस कोई कोई बुरी सुंदर छोड़ी, बुरा काम किया, बुराई का उसको अजाब होगा। और जितने लोग उसकी छोड़ी हुई बुराई पर अमल पैरा होंगे, हर बुराई करने वाले को अपनी अपनी बुराई का गुनाह होगा, लेकिन इन सब गुनाहों जितना गुनाह इकट्ठा करके उस शख्स के नाम अमाल में भेजा जाएगा जिसने बुराई का बीज बोया था। अमल इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। देखे ना बाल सैनमा मंगवाते हैं, देखे सैनमा के हम मुखालिफ नहीं है। सैनमा में अगर अच्छी फिल्में वहां चलाई जाए, किरदार साज हो, तलवीज हो इस्लाम की, दीन की, सैनमा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर सैनमा जो है उसमें ऐसी फिल्में दिखाई जाए जो चोरी सिखाए, डकैती सिखाए, जिनसी ख्वाहिशात को उभारे, नौजवानों के किरदार को तबाह करे, फसाद फैलाए, ऐसा सैनमा ऐसी फिल्में वहां चलाना हराम है, फसाद है। और जो शख्स ये काम करेगा जहां वो देखने वाले जो है उनको गुनाह पहुंचेगा। इन सब गुनाहों में गुनाह गुनाह इकट्ठा कर मनुष्य के नाम में अमाल में भी भेजा जाएगा जिससे ये बुराई का बीज बोया था। जो फेर इंसान करता है उसको भुगतना है। इसीलिए सूरह यासीन में खुदा बंदे मुताल फरमाता है और जो उन्होंने अपने आमाल भेजे होंगे वो आमाल सब लिखे जाते हैं, जमा किए जाते हैं, और उनके किए हुए आमाल के नताइज भी लिखे जाते हैं। इन्ना नहनु नुहयी अल-मौता, हम मुर्दों को जिंदा करते हैं, वनक्तुबु और लिखते हैं, मा कद्दरू जो आगे भेजते हैं, व आसारहुम सिर्फ अमल नहीं लिखते,
अमल के आसार और नतायज भी लिखते हैं। अजीजों, जो ही फलसफा था मौला अमीरुल मोमिनीन की उस ज़रबत पर जो आपने अमर बिन अब्द वल्बर चलाई थी, कि जिस ज़रबत को देखकर रसूल अकरम ने फरमाया था ज़रबत अलीन यौम अल खंदक के अफज़लों में इबादत सकल है। नारे और बाज लोग इस हदीस को हजम नहीं कर पाते, कहते हैं कैसे हो सकता है कि एक ज़रबा सकलैन की इबादत से अफजल हो जाए। अब मैं इस नंबर का थोड़ा सा एनालिसिस करता हूं कि कैसे एक ज़रबा सकलैन की इबादत से अफजल हो गई। और अहले तसन्नुन के बहुत मारूफ व मशहूर मुफस्सिर तफसीर कबीर में लिखते हैं, सूरह इन्ना अनज़लना की जब तफसीर करते हैं तो अपनी तफसीर कबीर में फखरे राजी लिखते हैं, इस आयत के ज़िमन में लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि लैलतुल क़द्र हजार महीनों की रातों से अफजल है, जैसे कि खंदक की जंग में रसूल अकरम ने फरमाया अली की ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। यानी वो लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर को समझाते हुए रसूल अकरम की हदीस कोट करते हैं, कहा जैसे वहां ने फरमाया रसूल अकरम ने कि अली की ज़रबत सकलैन की इबादत से कितनी अफजल है, ऐसे ही कुरान ने कहा लैलतुल क़द्र हजार महीनों की रातों से अफजल है, लेकिन ये नहीं बताया कितनी अफजल है। इसका माना इतना बड़ा मुफस्सिर वो अपनी तफसीर में इसको इस हदीस को कोट करते हैं, वैसे भी मुस्तफा को हाथ में ये हदीस मौजूद है। अब लोग कहते हैं कैसे हो सकता है कि अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल हो जाए। ये जो जंग खंदक है इसको कहते हैं जंग अहज़ाब, अहज़ाब हिज़्ब की जमा है, हिज़्ब का मतलब है ग्रुप, अहज़ाब यानी बहुत से ग्रुप, तमाम कुफार और मुशरिकीन आपस में जंग करते थे एक दूसरे से, लेकिन इस पर मुत्तफिक हो गए थे, उन्होंने ये तय कर लिया था कि हमने मोहम्मद वसीम को खत्म कर देना है, लिहाजा 10,000 का लश्कर जमा करके मदीना पर हमला आवर होते थे। रसूल अकरम को इसकी इत्तला मिल चुकी थी, सलमान फारसी ने कहा कि आप खंदक खोद लें ताकि ये लश्कर एक बार भी हमला आवर ना हो सके। 3 मील की खंदक खोदी गई जो 5 गज चौड़ी थी, 5 गज गहरी थी, वो मदीने की एक तरफ जहां से लश्कर आ सकता था, पीछे पहाड़। जब 10,000 का लश्कर आता है और आपस में कसमें खाकर तय करके आए थे कि आज हमने मोहम्मद वसीम को खत्म कर देना है, जब खंदक खुदी हुई देखी तो आगे न बढ़ पाए। अब 27 दिन का मुहासरा रखा, जान नहीं चाहते वापस, लिहाजा अब उन्होंने सोचा क्या कहीं से खंदक को पार किया जाए, चूंकि रसूल अकरम ने कुछ अफराद को वहां
जगह जगह खड़ा किया हुआ था कि अगर कोई खंजर के नीचे जाए तो उसको तीर मार मारो, पत्थर मार मारो, कोई भी नहीं जाता नीचे और मार नहीं सकते थे। लिहाजा सात उनके जवान मर्द जिनमें से अमर बिन अब्द मर्द भी था, बहुत शुजा लोग थे ये। उन्होंने खंजर एक जगह से तंग देखी तो अपने घोड़ों के जरिए से उन्होंने खंजर को पार कर दिया और अमर अमर बिन अब्द मर्द वहां आकर फिर मुबासा संधि करता है और कहता है कि मेरे मुकाबले में कोई है जो आए हाल में मुबारक। रसूल अकरम फरमाते हैं मन हाजल कल कौन है इस सगे नापाक के लिए, कौन है इस दूसरे की जुबान को बंद कर दे। बास कहते हैं रसूल ने ये गाली क्यों दी है, कुत्ता क्यों कहा है। रसूल की जात पर हमला नहीं था, रिसालत पर हमला कर रहा था। वो बार बार ये भी कहता था मैंने सुना है तुम्हारा रसूल तुम्हें ये तबलीग करता है कि जो हमारे साथ जंग में मारा जाता है वो शहीद होता है और शहीद जन्नत में जाता है और जो बच जाता है वो गाजी होता है। आओ मेरी तलवार शहादत का रास्ता बनी हुई है, तुम में से कोई जन्नत में जाना चाहता है तो उठे। रिसालत पर हमला कर रहा है, रसूल पर हमला नहीं। ये रसूल इन मुसलमानों से कोई एक भी ऐसा नहीं बना सका जिसको जन्नत में जाने का यकीन हो। जब रसूलुल्लाह ने फरमाया ना मन लिहाजा कल मौला अमीर मोमिनीन उठ उठे। मुफ्ती साहब सादानी आज पढ़ रहा था, रसूलुल्लाह ने बिठा दिया कोई और है जो इसके मुकाबले में जाए, कोई और जानसार है। रसूल देखना चाहते हैं जानसार कितने हैं। मौला अली ने बिठा दिया, दोबारा वो कहता है कि मेरे मुकाबले में कोई आए, फिर मौला अली फिर बिठा दिया। अब तीसरी मर्तबा जब उसने कहा ना हाल में मुबारिस कोई है मेरे मुकाबले में आने वाला, तो फिर तारीख कहती है इस शान से लाफादा की जवानी सामने आई कि रसूल से इनकार ना बन सका। अब रसूल अगर ऐसे नहीं भेजना चाहते, ये वो शख्स है जो हजार जवानों के मुकाबले के लिए अकेला काफी होता था और हजरत उमर वहां मौजूद थे। तारीख में लिखा है कि उन्होंने वो वाकया भी सारे मुसलमानों को बता दिया कि एक सफर पे हम थे, ये हमारे साथ था, डाकू ने हमला किया, हजार अफराद थे, सब हम भाग गए थे और इस शख्स ने अकेले उनको भगाया। इतना बड़ा ये बहादुर है, खुद भी नहीं जा रहे कहानियां सुना रहे हैं उस मुश्किल की दूसरे भी दब जाए। अब रसूल अकरम ने जब मौला अली ने कहा कि मैं इसके मुकाबले में जाऊंगा, रसूलुल्लाह ने भी ये जुमले तारीख के हैं फरमाया या अली ये अमर बिन अब्द मर्द है, कहा मैं भी अबू तालिब का दिल पर तो मौला ने भी अपना तारीफ बताया अपनी तलवार दे दी और दुआ की, बारगाह तूने बदर में मुझसे कुतैबा ले लिया, ओहद में मुझसे हमजा ले लिया, बस मेरा आखिरी जानसार, जानसार बहुत कम थे, मेरा आखिरी जानसार है, इसकी मदद करना, इसकी हिफाजत करना। मौला अमीरुल मोमिनीन जब जाने लगे तो रसूल अकरम ने फिर मौला अमीरुल मोमिनीन का तारुफ कराया। लोग समझ रहे थे ये अली इब्ने अबी तालिब जा रहा है, रसूल अकरम फरमाया देखो कौन जा रहा है, बड़ा सा ईमान
يدعوه الى الشرك كله. قل لي ايمان، قل لي الشرك مقابل بجاه راح. او رسول اللہ سے پوچھے یا رسول اللہ آپ کو شاعر ہے، سجا بندی کرتے ہیں، کافیہ پیمائی کرتے ہیں، چلو مان لیا کہ مولا علی قل لی ایمان ہے، اب ان کے مقابلہ میں جو آیا ہے اس کو آپ قل لی کفر کہہ رہے ہیں، قل لی شرک کہہ رہے ہیں. ادھر بول ہے تو کیا ادھر بھی بول ہونا چاہیے. رسول اللہ فرمائیں گے میرا کام قانون بنانا ہے، میرا کام معیار دینا ہے. علی ہے کل ایمان، اب جو جو بھی ان کے مقابلہ میں رہے گا ابھی ہو یا کبھی ہو کل کفر. قرآن نے بھی یہی کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تم کو دے وہ لے لو، اور جس سے رسول کی ذات منع کرے اس سے رک جاؤ. تو کیا فرمایا بڑا سال ایمان کلو ہو کے لل کفر ہو. مولا جی اس کے مقابل میں جاتے ہیں، اس وہ گھوڑے پر سوار تھا، مولا جی پیادہ تھا، ظاہر ہے جو گھوڑے پر سوار ہوتا ہے وہ حاوی ہوتا ہے اس پیادہ شخص پر، پیدل شخص پر. اب مولا علی المومنین کی ذہانت دیکھے، فرماتے ہیں پہلے تو وہ کہتا ہے کہ آپ واپس چلے جائیں. جب مولا علی کو دیکھا مقابلے میں آئے کہا آپ ابو طالب کے فرزند ہیں، ابو طالب میرے دوست ہیں تھے، آپ ان کے بیٹے ہیں، آپ واپس چلے جائیں. کسی اپنے امام کو بھیجے، امام کہتے ہیں انکلوں کو، بڑے بڑے شخص کو بھیجے. آپ چھوٹے ہیں عمر میں، میں آپ کو جانتا ہوں، لیکن کسی بڑے کو بھیجے. مولا نے فرمایا نہیں میں لڑوں گا آپ سے. مولا علی المومنین نے یہاں پر ایک سنی مصنف وہ لکھتا ہے کہ جب اس نے کہا نا آپ واپس چلے جائیں، آپ ابو طالب کے بیٹے ہیں، وہ میرے دوست ہیں. سنی مصنف لکھتا ہے ابو طالب کوئی اس کے دوست نہیں تھے، وہ صرف علی سے لڑنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ جنگ بدر میں علی کی تلوار دیکھ چکا تھا. یہ سنی مصنف لکھتا ہے. ہمارے شیعہ مصنف نے یہاں پر کسی کو جواب نہیں دیا، اس نے جواب دیا، کہتا ہے وہ علی سے لڑنا نہیں چاہتا تھا، راہ فرار اختیار کر رہا تھا کہ چلے جائے کوئی اور آ جائے، لیکن مولا علی نے کہا میں اس سے لڑوں گا. مولا علی نے کہا میں نے سنا ہے کہ اگر تجھ سے تین چیزیں طلب کی جائیں ایک مال لیتا ہے. کہتا ہے ہاں ایسا ہی ہے. مولا نے فرمایا پھر تو ایسے کر تو مسلمان ہو جاؤ. کہتا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا مسلم. مولا نے فرمایا میں پھر واپس چل جاتا. کہتا ہے نہیں پھر عورتیں کیا کہیں گی، واپس لے جاؤں گا. کہا پھر گھوڑے سے نیچے اتار. لیکن مولا نے کیسے اسے وہ نیچے اتار دیا، نیچے اتار. اس نے اترتے ہوئے اپنے گھوڑے کی اگلی ٹانگیں تلوار مار کر بتانا یہ چاہتا تھا میں اب واپس نہیں جاؤں گا، یا قتل کروں گا یا قتل ہو جاؤں گا. ایک نفسیاتی روح اس نے ڈالنا چاہتا تھا، لیکن مولا علی پر نفسیاتی روح کیا ڈالے گا. اس نے جب تلوار مار مار ٹانگا اس کی گاڑ کی گھوڑے کی، تو مولا علی نے فرمایا ہم پہلے حملہ نہیں کرتے، تو پہلے حملہ کر لے. اس نے اتنی زبردست تلوار مولا کے سر پر ماری. مولا نے وہ تلوار اپنی سپر سے روکی، ڈھال سے روکی، لیکن پھر بھی وہ تلوار اتنی تیزی سے آئی کہ اس ڈھال کو کاٹتے ہوئے ایک طرف سے مولا کی پیشانی پر، مولا کا خون جاری ہوا.
अब जब ईमान की तलवार निकली नयाम से, तो मौला ने उस पर तलवार मारी, उसकी दोनों टांगों को काट दिया। उसने घोड़े की टांगों को काटा था मौला के सामने, तो मौला ने उसकी टांगें काट दी वहां पर। अब फिर पड़ा मौला उसके सीने पर सवार हुआ, उसने लाबे दहन फेंका, कुछ नहीं बन सका था उससे, लाबे दहन से बेअदबी भी मौला उसके सीने से उतर गया। दोबारा उठना चाहता था, उठ नहीं सकता था, दोबारा मौला आए, उसका सर फल दिया, एक हाथ में अमर अमर का सर है, दूसरे हाथ में तलवार है, खून टपक रहा है। मौला रसूल अकरम की तरफ आ रहे हैं, अब सहाबा जो पहले बोल नहीं रहे थे, बस कुछ सवाल उनके जहन में आए, आगे बढ़े, कहा या अली इतना बड़ा बड़ा दे मुकाबल जब काबू में ले लिया था पहले, तो फिर क्यों छोड़ा था? जिसके पास में ताकत हो छोड़ा करता है, लेकिन तारीख का जुमला जो मौला ने फरमाया वो ये था कि जब मैंने पहले मर्तबा उसको गिराया, उसने लाबे दहन फेंका मुझे अली को, जाती गुस्सा आ गया था और मैं अली ये नहीं चाहता था कि अपने जाती गुस्से में उसका सर खत्म करूं, और वो तलवार जो राह हक में चल रही थी उसने मुझे अली के जाती गुस्से की अमेज़। अली वो शख्सियत है, नायक कायनात में अली जैसा, अली वो शख्सियत है कि अगर ज़ाती गुस्सा आता है तो सीने से उतर जाते हैं। अब जिस जिस जंग में अली गए हैं, समझो ज़ाती गुस्से के लिए नहीं गए बल्कि अल्लाह के लिए गए। उनकी तलवार जब भी चली है राह खुदा में चली है। तो अजीजों, मौला अमीर मोमिनीन को कुल्ले ईमान कहा। बास लोग अजीब अजीब सवाल करते हैं, लो जी अली जी के दामाद थे, चचाजाद भाई थे, इसलिए फजाइल उनके बहुत ज्यादा बयान कर दिए, चूंकि किताबों में मजबूर है हदीस की किताबों में, और एक उन्होंने आगे सन्नत के बड़े बड़े उलमा ने लिखा है कि जितने फजाइल रसूल ने अली इब्न अबी तालिब के बयान किए हैं किसी सहाबी के बयान नहीं किए। अब अब्बास जो जिनके सर खान हैं मौला के फजाइल को पढ़ भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, वो कहते हैं कि चूंकि चचाजाद भाई थे इसलिए फजाइल बयान कर दिए, दामाद थे इसलिए फजाइल बयान कर दिए, फातिमा बेटी थी इसलिए फजाइल बयान कर दिए, हसन हुसैन नवासे थे इसलिए फजाइल बयान कर दिए। नहीं, अहले बैत ने जो फजाइल हासिल किए हैं वो अपने किरदार से हासिल किए, अपने अमल से हासिल किए हैं, रिश्तेदारी की बिना पर नहीं। रसूल ने तो मैदान खुला छोड़ दिया था, कोई कुल्ले ईमान बनना चाहता है तो उठे, लेकिन जब किसी के सर में मेरी गुंजाइश ही नहीं थी कि वो कुल्ले ईमान बन सके, तो फिर अली आ गया। रसूल ने भी मैदान खुला छोड़ा, खुदा ने भी मैदान खुला छोड़ा, ताकि बाद वाली नस्लें ये न कहें अहले बैत को फजाइल दे दिए। नसारा नजरान जब आते हैं रसूल अकरम की रिसालत पर मुबाहला करने के लिए, मुनाजा करने के लिए, वो समझते थे कि ये रसूल नहीं है, झूठा दावा कर रहे हैं, लिहाजा उनकी एक टीम आती है मुबाहले के लिए। इब्तदाई बातें हुई उन्होंने नहीं माना, रसूल अकरम किसी बात को नहीं माना, आयत है फमन हाजक फीह मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फकुल तआलु नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल
जिस चीज की तरफ मैं आपको मुतवज्जे करना चाहता हूं, मैं मुबाला नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन रसूल ने और खुदा ने मैदान खुला छोड़ा। खुदा ने ऐसी आयत भेजी, इस अंदाज में भेजी कि उसमें बहुत से लोग शरीक हो सकते हैं। देखें निस्वतन का माना है एक औरत, निसा जमा है निस्वा की, निसा का माना ज्यादा होता है। नफसुन का माना है एक जान, अनफुस कहते हैं ज्यादा जानों को। इब्न कहते हैं एक बेटे को, अबना ज्यादा बेटे को, दो से ज्यादा अनफुस, दो से ज्यादा नफ्स, निसा दो से ज्यादा औरतें, ये जमा किसी के हैं सारे। खुदाबंदे मुताल ने जो आयत भेजी रसूल अकरम के लिए, कहा कि अगर ये नहीं मानते तो इनसे मुबाहला करो, और मुबाहले के लिए इनसे कह दो तुम अपनी निसा को ले आओ, हम अपनी निसा को ले आते हैं, तुम अपने बेटों को ले आओ, हम अपने बेटों को ले आते हैं, तुम अपने नफूस को ले आओ, हम अपने नफूस को ले आते हैं। खुदा ने आयत में इतनी गुंजाइश रख दी कि रसूल अकरम जितने बेटे लाना चाहते हो ले आए, जितनी औरतें लाना चाहते हैं ले आए, जितने नफूस लाना चाहते हैं ले आए। खुदा ने इजाजत दे दी रसूल को, आयत ऐसी भेजी जो जमा के सीगे थे, लेकिन चूंकि मुकाबला और मुनाजरा था झूठों से, झूठों के मुकाबले में सच्चे आ सकते हैं, झूठे नहीं आ सकते। रसूल अकरम को फातिमा के अलावा कोई सदीका मिली ही नहीं थी, और हसन हुसैन के अलावा कोई बेटे नहीं मिले थे, और अली के अलावा कोई जाने रसूल नहीं था। ये सबसे सच्चे थे जिनको रसूल लेके आए थे, और खुदा भी ये कहता है कि सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान ने इस आयत मुबाहला की रूह से, तारीख ने भी जिन सच्चों को हमारे सामने लाया है कुरान और तारीख, वो सवाए अहले बैत रसूल के और कोई नहीं। मौला अमीरुल मोमिनीन के रसूल ने फरमाया अंता सद्दीकुल अकबर, सदीक अकबर मौला अमीरुल मोमिनीन है। रसूल ने फरमाया इनको पता नहीं कैसे सदीक बना दिया। सदीका ताहरा जनाबे फातिमा तुज़हरा है और कोई सदीका नहीं है। तो अहले बैत रसूल वो है सादिकीन, वो है सच्चे। और अजीजो लंबा लंबी ना हो जाए बात, सही मानों में वारिसान रसूल अहले बैत रसूल। अगर कोई और भी वारिस नबी होता तो उसे चाहिए था कि वो नबी के दीन और शरीयत की हिफाजत के लिए आगे बढ़ पड़। सन 60 हिजरी में जब यजीद ने बैत का मुतालबा किया तो उस वक्त असहाबी, बड़े बड़े असहाबी, बुजुर्ग असहाबजादे मौजूद थे, लेकिन इन सब ने यजीद की बैत कर ली। बैत पता क्या होती है? एक बंदा जो बैत करने वाला है वो ये कहे कि मेरी जान मेरा माल तेरे सुपुर्द, जो तू कहे वही इस्लाम है। ये बैत है। सब बैत यजीद कर गए, लेकिन इनकार बैत किया है हुसैन इब्न अली और इनके खानदान ने, इनके चंद सहाबियों ने, मौला हुसैन ने इनकार बैत किया। वो सारे यजीद की बैत कर गए। अजीजो इस्लाम तो उसी वक्त तकसीम हो गया था दो हिस्सों में। एक वो हिस्सा इस्लाम का था जिसमें यजीद की बैत मौजूद थी,
और एक इस्लाम वो था जो यजीद की बैत से पाक इस्लाम, नाब इस्लाम, खालिस इस्लाम। जिस इस्लाम में यजीद की बैत थी वो किसके पास था? वो असहाब और असहाब जादों के पास था। और जिस इस्लाम में यजीद की बैत नहीं थी वो इस्लाम नवासा रसूल के पास था। आज हम अपनी इन मजालस में, इन अय्याम मुहर्रम में, इन सफर की मजालस में उस इस्लाम की बात करते हैं जो नवासा रसूल ने कुर्बानी देकर बचाया है। हम उसका प्रचार करते हैं जो यजीद की बैत से पाक इस्लाम है, वो नवासा रसूल के पास था। और इंसान अगर भूला हुआ एक दिन का भूला हुआ घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। अब आप इनसे पूछे ना कि यजीद हक पर था या मौला हुसैन हक पर था। यही अक्सरियत, इनसे पूछे यजीद हक पर था या मौला हुसैन हक पर थे, सब कहेंगे नहीं मौला हुसैन हक पर थे। उस वक्त तो तुम सब कह रहे थे कि यजीद हक पर है। देखा, आपकी इस आजादारी ने, इस मातम ने, इस या हुसैन ने, इस नोहा खानी ने, इस मुहर्रम ने, इस सफर की मजालस में, ये सारा साल मजालस होती है, क्या असर छोड़ा है इन पर। आज हर मुसलमान कहता है यजीद बातल पर था, हुसैन हक पर थे। उस वक्त तुम अगर यजीद की बैत ना करते तो यजीद यजीद ना बनता। ये मजालस इस बात का दर्श देती है कि हक क्या है और हक किधर है। मौला हुसैन इब्ने अली को इल्म था इन सारी शहादतों का, लेकिन दीन सबसे अजीज है। दोस्तों, दीन से अजीज तरीन कोई चीज नहीं है। मैंने एक दिन कहा था कुर्बानी का माना यही होता है कि अदना आला पर जान दे दे। इस्लाम इतना अजीज है कि मौला अली ने इसके लिए जान दी, मौला हुसैन इब्ने अली ने इसके लिए जान दी। इस्लाम इतना अजीज है, इसीलिए तो मौला जख्मी हालत में कह रहे थे इन काना दीन मुहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बिकत्ली या सयूफ खुजीनी। अगर मेरे नाना का दीन मेरी शहादत के बगैर नहीं बचता तो आओ तलवारों, आओ नेजो हुसैन के जिस्म में पैवस्त। क्या हम ये सोचते हैं कि मौला को अपने अजीजों से मोहब्बत नहीं थी, इतने अजीज कुर्बान कर दिए। अब्बास से दलावर जैसा भाई हो, बहुत अजीज था मौला हुसैन इब्न अली को। अली अकबर बहुत अजीज थे, कासिम भतीजा बहुत अजीज था, लेकिन अजीजो मामला दायर हो गया था इस बात में हुसैन या इस्लाम बचा लो या अब्बास के बाजू बचा लो, इस्लाम बचा लो या अली अकबर का सीना बचा लो, इस्लाम बचा लो या अली असगर का गला बचा लो। लाए कोई कायनात में मौला हुसैन जैसा इमाम जिससे ये कहा हो ये सब कुछ दे दूंगा लेकिन इस्लाम की हिफाजत करूंगा। अजीजो, जब बच्चे अल अतश की आवाजें बुलंद कर रहे थे और वो बीबी सकीना के पास आते थे और कहते थे अपने चचा से कहो हमें पानी ला दें, जनाब सकीना आती है मौला अब्बास के पास और जनाब अब्बास के चचा हम प्यासे हैं हमें पानी ला दो। जनाब अब्बास को तो इजाजत नहीं मिल रही थी ना, मौला हुसैन ने उनको बांध दिया था ये कहकर कि तू अलमदार है। माना यह था कि अलमदार आखिर तक रहेगा, इसलिए कि अलम रहेगा तो फौज रहेगी। जनाब अब्बास ने फिर
मौला हुसैन से आकर कहा कि मौला अब मुझसे ये मलहून देखे नहीं जाते, ये अली अकबर के कातिल मुझसे देखे नहीं जाते, मुझे आप जंग की इजाजत दें। मौला हुसैन कहते तू तो मेरी फौज का अलमदार है। कहा वो फौज ही नहीं रही जिसका मैं अलमदार हूं। जब सकीना के साथ आते हैं ना मौला अब्बास, तो मौला हुसैन कहते हैं अब्बास इन बच्चों के लिए पहले पानी का इंतजाम करो। मशकीजा को लेते अब नहर फरात की तरफ मौला अब्बास जाना चाहते हैं। जनाबे ज़ैनब ने देखा कि अब्बास भैया जा रहा है, तो कहा अब्बास मेरी बात सुन के जाना, मैं एक हदीस बयान करना चाहती हूं। अब्बास जैसा दलावर भाई 32 साल का नौजवान बहन के घुटनों में बैठ जाता है, सर झुकाया हुआ है। कहा बहन हदीस बयान कर। जनाबे ज़ैनब कहती है अब्बास जब मैं छोटी थी ना बाबा की आगोश में बैठी हुई थी, मेरे सर से चादर सिरक गई, तो मेरे बाबा ने वो चादर मेरे सर पर दी और देकर कहा ज़ैनब एक वो वक्त आएगा कि तेरे सर की ये चादर छिन जाएगी। अब्बास मैंने अपने बाबा से कहा कि जिस बहन के 18 भाई हों उसकी चादर को कौन छीनेगा, लेकिन अब्बास तो अभी जा रहा है ना, मुझे यकीन हो गया है कि मेरी चादर छिन जाएगी। जनाबे अब्बास बहन को दलासा देते हैं नहीं मैं पानी लेने जा रहा हूं। नहर फुरात की तरफ जाते हैं, 4,000 का लश्कर सिर्फ इसलिए नहर फुरात पर बिठाया गया था कि कोई यहां से पानी ना ले जाए, लेकिन अब्बास की शुजात दलावरी और हिम्मत इस 4,000 के लश्कर को हटाया मौला अब्बास ने और नहर फरात के किनारे को खाली कराया उनसे और घोड़ा नहर फरात में डाल दिया और घोड़े पर सवारी की हालत में मशकीजे को पुर किया। मशकीजे को पुर करके जब रखा, जाहिर है कि हाथ जब मशकीजे को पुर किया तो तर हो गए थे। एक चिलू पानी लिया, ये बात जब नहरे फरात से निकले हैं मौला, तो उस वक्त उन्होंने कुछ अशआर पढ़े जिनसे उनकी उस हरकत का पता चला। एक किलो पानी लिया और पानी लेने के बाद मुंह के करीब किया, फिर पानी फेंक दिया। किसी को मालूम नहीं था कि अब्बास ने किलो उठाया क्यों और किलो फेंका क्यों, लेकिन जब नहरे फरात से मशकीजा भर के निकलते हैं तो उस वक्त उन्होंने अशआर कहे हैं जिन शेरों का मतलब ये है। कह रहे थे मौला अब्बास, क्या अब्बास तू पानी पी ले, ये रस्म वफादारी नहीं है, ये रस्म नौकरी नहीं है, तेरा इमाम प्यासा हो और तू पानी पी ले, लाए कोई कायनात में ऐसा वफादार जो अपने मौला के लिए प्यासा हो 3 दिन का, लड़ भी चुका हो और फिर पानी ना पिए। लिहाजा जनाबे अब्बास मशकीजे की हिफाजत कर रहे हैं, जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से वापस नहीं आए, बल्कि दरख्तों में से होते हुए, क्योंकि उनके पास एक ऐसी कीमती चीज थी जो उन्होंने पहुंचानी थी खयाम तक, और वो मशकीजा था पानी का, रास्ता बदल दिया। लेकिन दुश्मन फिर आगे से आया, उन्होंने तीर मारना शुरू किए। जनाबे अब्बास तमाम तीरों को अपने जिस्म पर लेते थे, किसी तीर को लगने नहीं देते थे मशकीजे को, लेकिन इन मलऊनों ने छुप कर वार किया। जनाबे अब्बास का बायां हाथ कट गया, बाएं हाथ का कटना था कि मशकीजे को दाएं बाजू पर लिया, आगे बढ़ते हैं दायां बाजू भी कट जाता है, तो फिर भी मशकीजे की हिफाजत मशकीजे के ऊपर लेट जाते हैं। लेकिन जब मशकीजे पर तीर लग गया और पानी बहना शुरू हुआ, जनाबे अब्बास की आस टूट गई। बास तारीखदार लिखते हैं कि उस वक्त जनाबे अब्बास ने अपने घोड़े का रुख खयाम की जानिब नहीं किया बल्कि नहरे फरात की तरफ कर लिया। और आगे बढ़ते हैं, एक घुर जाता है आपके
सर पर लगता है। और इस गुर्ज के बारे में जनाब उम्मुल बनीन मदीने में जब आपको खबर पहुंची ना गुर्ज लगा है मेरे बेटे अब्बास को, तो कहा कि अगर मेरे बेटे अब्बास के हाथ होते तो किसी की जरूरत ना थी कि वो आगे बढ़कर गुर्ज मारता। जब गुर्ज लगा जनाब अब्बास ना समझ सके, आवाज दी या मौला हो अदरकनी, ऐ मौला मेरी मदद को आओ। मौला हुसैन जनाब अब्बास के पास आते हैं, जब अब्बास की हालत देखते हैं एक जुमला कहा है जो तारीख ने नकल किया है, अलान इन कसर ज़हरी व कल्लत हीलती। मौला फरमाते हैं अब मेरी कमर टूट गई है और कोई हीला बाकी नहीं रहा। बैठ जाते हैं, जनाब अब्बास की आवाज आ रही है मुंह से, कुछ कलिमात कह रहे हैं। मौला हुसैन बैठकर सुनते हैं तो ये कलिमात कह रहे थे कि मौला मेरे लाशे को खैमों में न ले जाना, इसलिए कि मैं बच्चों से पानी का वादा करके आया था। मौला हुसैन जनाब अब्बास की इस वसीयत के मुताबिक जनाब अब्बास को वहीं छोड़ते, अलम उठाते हैं और खैमों की तरफ बढ़ते हैं। सकीना ने जब अलम देखा बच्चों से कहा आज हो मेरे चचा अब्बास पानी लेकर आ गए। अजीजों जब अलम लेकर मौला हुसैन आए तो अलमदार तो नहीं आया था, फिर क्या हुआ? मौला हुसैन को जनाब ज़ैनब ने एक जुमला कहा, कहा भैया हुसैन जब सब के लाशे खयाम में लाए हो तो मेरे भैया अब्बास का लाशा क्यों नहीं लाए? तो मौला हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब अब्बास की लाश इस काबिल नहीं थी कि मैं खैमों में उठा के ला सकता। या हुसैन मातमे हुसैन चल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, चल है फौजे शाम अब्बास आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, तीरों पे तीर नेज़ों पे नेज़े चलाते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, हलचल है शाम में अब्बास आते हैं, तीरों पे तीर नेज़ों पे नेज़े चलाते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं। क्या बात पड़ गया है मोहम्मद की आल पर, क्या अब्बास आते हैं, हलचल है फौजे शाम।